आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सरदार थे, एक बादशाह थे आप, और ताइफ की वादियों में आप देखें कराए के गुंडों को हायर करके इन्होंने मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश कर दी जालिमों ने। ये नहीं देखा, तुम देखो तुम मार किसको, वो एक बादशाह है, वो एक सरदार है, इमाम-उल-अंबिया, इमाम-उस-सकन, इतने बड़े रुतबे की शख्स को किस बेरहमी से मारा इन्होंने, जालिमों के जुल्म, बच्चे वहां के खड़े कर दिए उन्होंने, बच्चों ने कंकरियां मारी उस मासूम तरीन इंसान को जिसने कभी किसी के बाल को नुकसान ना पहुंचाया। कैसा दिल होगा वो जो आप सल्लम की नजरों में नजरें डाल के जो ना ज्यादतियां करके आप सल्लम, सोचें वो कैसे दिल होंगे जिन्हें तरस नहीं आया आप सल्लम को मारते, जिन्हें दिल नहीं फटे उनके उनके ऊपर हाथ उठाते। अल्लाह अकबर, आप हुक्म करें मैं पीस के रख दूं, दो पहाड़ों में मैं इस कौम को इबरत बना दूंगा क्यामत तक के लिए जिन्होंने आप जैसी हस्ती के ऊपर ये ज्यादती की। सलाम है उसके ऊपर जिसने तब भी रहम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया इनको मत मारना, क्या पता इनमें से कोई हक के रास्ते पर आ। के एक तो है ना कि एक बेरहम ने एक मासूम को मारा, एक सरदार जब गिरता है ना सिस्टम के अंदर, एक बादशाह जब गिराया जाता है, जिसकी शान अल्लाह ने बनाई, उसने काट काटी मेहनत की, खड़ा हुआ मैदान के अंदर, उसकी अल्लाह ने देखे ना, आप सल्लम नबुवत से पहले भी एक सरदार थे, आप सल्लम एक सरदार थे, एक बादशाह थे आप कभी भी उनकी तारीख में सीरत के बाब में नहीं देखेंगे, आप सल्लम एक बहुत आला शख्सियत थे, एक चौधरी थे आप, बगैर कहे हुए आप एक बादशाह सरदार थे, और ताइफ की वादियों में आप देखें कराए के गुंडों को हायर करके इन्होंने मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश कर दी जालिमों ने। ये नहीं देखा कि एक इंसान को तुमने, तुम देखो तुम मार किसको रहे, वो एक बादशाह है, वो एक सरदार है, वो आसमानों का सरदार है, वो जमीनों का सरदार है, वो जिनों का भी सरदार है और वो फरिश्तों का भी सरदार है, इमाम-उल-अंबिया, इमाम-उस-सकन, इतने बड़े रुतबे की शख्स को किस बेरहमी से मारा इन लोगों, और जर्फ देखें आप सल्लम का कि जब ये जुल्म की एक इंतहा आप सल्लम पे की जा रही थी, जुल्म की एक बारिश आप सल्लम पर जब की जा रही थी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जालिमों के जुल्म, बच्चे वहां के खड़े कर दिए उन्होंने, बच्चों ने कंकरियां मारी उस मासूम तरीन इंसान को जिसने कभी किसी के बाल को नुकसान ना पहुंचाया, जिसने कभी जिंदगी में किसी को नजायज नहीं, कभी उनके लफ्जों से कभी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से भी कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ होगा, ऐसा पाकीजा तरीन मुताहिर शख्स जिसको सहाबा कहते हैं, इतना प्यारा चेहरा था देखा ही नहीं जा, देख ही नहीं सकता था, उनकी शक्ल, उनकी खूबसूरत हसीन चेहरे को देख के इंसान को अपने गुनाह याद आ जाते थे, उनकी चाल में वो कमाल था, उनकी चाल चलन में वो जमाल था, ऐसे शख्स को मार, सोचें क्या दिल होंगे वो जिन्होंने तेरे नबी को जख्मी किया होगा, कैसा दिल होगा वो जो आप सल्लम की नजरों में नजरें डाल के जो ना ज्यादतियां करके आप सल्लम, कैसा दिल होगा वो, एक दिल वो थे जो जूतियों जो नबी सल्लम की जूतियां सरों पे रखते थे, आप सल्लम की वजू के पानी को अपने जिस्म पर मलते थे, आप सल्लम के पसीने से परफ्यूम्स बनाते थे, कुछ दिल ऐसे थे, और कुछ दिल ऐसे थे, सोचें वो कैसे दिल होंगे जिन्हें तरस नहीं आया आप सल्लम को मारते हुए, जिन्हें दिल नहीं फटे उनके उनके ऊपर हाथ उठाते। अल्लाह अकबर, फिदा का अभी व उम्मी, मेरे 10 बाप भी मेरे नबी पर कुर्बान हो अगर हो, मेरी माएं भी 10, पूरी कौम की माए हमारे नबी पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त आसमान से अदील भाई एक फरिश्ता नाजिल हुआ
और उसने कहा, आज तो बहुत हो गया है। मतलब उसको गैरत आ गई उस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, किस तरह का जुल्म किया इन जालिमों ने, किस तरह का जुल्म किया आपसे। अल्लाह, क्या आप हुक्म करें मैं पीस के रख दूं, दो पहाड़ों में मैं इस कौम को इबरत बना दूंगा क्यामत तक के लिए, इन्होंने आप जैसी हस्ती के ऊपर ये ज्यादती। सलाम है उसके ऊपर, क्यामत तक सलाम है उसके ऊपर, और क्यामत के बाद भी सलाम है उसके ऊपर, जिसने तब भी रहम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इनको मत मारना, क्या पता इनमें से कोई हक के रास्ते पर आ जाए। मैं तो शायद अपने नबी की पैर की खाक तो दूर की बात है, उस इलाके की खाक के भी बराबर नहीं हूं। मेरे अंदर ये बातों की, मैं गुफ्तार का गाजी तो बन गया, शायद किरदार का गाजी न बन सकता, लेकिन अगर मॉडल हमारा नबी है अलैहि सलातु वस्सलाम, तो भैया अदील भाई, तेरे नबी ने और मेरे नबी ने मुंह से बयान नहीं किया कभी भी, ज़र्फ था आपके अंदर। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु एक दफा देने लगे जवाब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो मेरे ऊपर ज्यादती करता रहा, जुल्म गंदी बातें करता रहा, गलत बातें करता, आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने जवाबी कार्रवाई दी, आपने मुंह फेर लिया आगे से। फरमाया, जब वो ज्यादती कर रहा था तो अल्लाह जवाब दे रहा था, अब तुम जवाब देने जा रहे हो तो फरिश्ते हट गए हैं, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। क्योंकि रिवायत ये कहती है, मन आद अली वलियन, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, अल्लाह कहता है जिसने मेरे दोस्त और मेरे, जिसने अल्लाह वाले के साथ दुश्मनी ली, जिसने हक के रास्ते पे चलने वाले अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी ली, अल्लाह जंगों का ऐलान करता है आसमानों से उसके खिलाफ। हम भी हर्ब का ऐलान करते हैं, जंग का ऐलान करते हैं। तो जब अल्लाह आपकी जंगें लड़ने आ रहा है, लेट अल्लाह डिसाइड, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दिल नहीं फटते, मेरा भी दिल फट जाता है कभी कभी, कल इंसान हो जईफ, लेकिन रब को आप, रब जो जीत ला के देता है ना, और रब जो जवाब रकम कराता है, वो ऐसा रकम कराता है कि नस्लें याद रखती हैं अगलों की कि मक्के से कभी कोई शख्स आया था। आज तक दुनिया याद रखती है कि मक्के से कोई शख्स आया था, नाम है उसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनका फॉलोअर हो, कल मुझे भी मेरा ये दर्स याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊं। बार यही है, बार जो उन्होंने सेट की वो यही है कि जवाब ना दें। और आखिरी बात दिल भाई, जब जवाब देना तो फिर जंगे बदर जैसा जवाब दो, याद रखिए सदियां के जवाब दिया आपने।